नमस्कार दोस्तों, ये है हेवल्स का समर्सिबल पंप। इसको अधिकतर लोग कुएं में यूज करते हैं और इसको पनडुक्की मोटर कहते हैं। आप इसको नदी तालाब में भी यूज कर सकते हैं। बाकी जब भी आप इसको रिपेयर के लिए बाहर निकाल रहे हो तो जितने भी नट बोल्ट है उसमें आप ऑयल डाल के कुछ दिन या फिर कुछ घंटे छोड़ दें ताकि वो अच्छे से फ्रीली बाहर निकल जाए। और जब भी आप नट बोल्ट रिमूव कर रहे हो तो करेक्ट टूल्स का यूज करें ताकि वो स्लिप ना हो। जो मोटर पानी के अंदर होते हैं उनका जो कॉइल है वो नॉर्मल मोटर से बहुत अलग होता है, क्योंकि इसमें जो कॉइल लगता है उसके ऊपर पीवीसी का कोटिंग होता है, इसलिए इसको कॉपर पीवीसी कॉइल या फिर पॉली कॉइल भी कहते हैं। हाँ, बात करते हैं अगर कूलर की पंप की तो उसका जो कॉइल है वो नॉर्मल ही होता है, लेकिन कॉइल वाइंडिंग होने के बाद उसको मोल्ड कर दिया जाता है ताकि वो शॉर्ट ना हो। और वैसे भी उसमें जो रोटर यूज होता है वो मैग्नेट का बना होता है। खैर, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें बैरिंग नहीं लगता है, क्योंकि बैरिंग क्या है कि पानी के अंदर आप अगर मान के चलो कुछ दिन अगर मोटर चालू नहीं करते हो तो बैरिंग जाम हो सकता है, इसलिए इसमें बुश लगा हुआ रहता है। और जब ये रिपेयर होता है तो इसमें बहुत खर्चा होता है, खास करके जब आपका कॉइल और बुश दोनों में प्रॉब्लम हो, और क्योंकि इसमें लेथ वर्क भी हो जाता है इसीलिए। तो ये मोटर है, इसका तो सबसे पहले तो एक वायर टूटा हुआ था, उसके बाद इसको रिपेयर करके इसको ठीक किया गया, लेकिन इसका कॉइल शॉर्ट होने की वजह से इसका एम्पियर बहुत ज़्यादा हाई बता रहा था और इसका जो बुश है उसमें प्रॉब्लम था, तो काफ़ी खर्चा आ गया इसमें वो रिपेयर करने में। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का मोटर है तो मैं तो कहूँगा कि कम से कम कुआँ से जो बाहर निकालते हैं या फिर कुएँ में फिट करते हैं तो आप ये सब काम खुद करो। ज़्यादा मेहनत है नहीं इसमें, ज़्यादा दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका जो कुछ खर्चा है, कुछ क्या बहुत खर्चा, वो बच जाएगा। जैसे अगर आप किसी प्लम्बर को बुलाते हो तो उसका जो फिटिंग चार्ज है तो वो सब आपका बचेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसमें तो आप इस तरह से मोटर खोल के आप इसको बनवा सकते हो और इसको चेक करना भी बहुत आसान है। तो देखते रहिए वीडियो, बने रहिए वीडियो में, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मोटर के अंदर जहाँ पे जॉइंट दिखता है उसको पूरा वाटरप्रूफ बनाया जाता है ताकि झटका ना लगे और कॉइल शॉर्ट ना हो। तो उसके लिए काफ़ी सारा उपाय है, जैसे कि जो लोकल हैं वो एमसील का यूज़ कर लेते हैं, कुछ कुछ बॉन्ड का यूज़ करते हैं, और नहीं तो फिर आप स्ट्रिंग केबल या फिर कच्चा रबर का यूज करें ताकि पूरा अच्छी तरह से सील हो जाए।